This is a super sport mode. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द डिटेल रिव्यू सीरीज ऑफ ऑटोनॉच। आज हम जिस गाड़ी को डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द MGHS व्हिच इज न्यूली लॉन्च्ड इन पाकिस्तान एंड वाज डिस्प्लेड ऑन 13th ऑफ नवंबर इन ऑटोमॉल कराची। लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो एंड चेक आउट व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द वेरिएंट्स एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस MGHS। सो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार, द मैसिव ग्रिल लुक्स इनसेन ऑन दिस MG। There is a massive badging of MG over here. उसके नीचे कैमरा अवेलेबल है एंड द कॉर्नर्स आर सपोर्टेड विद अ क्रोम लाइनिंग एंड दैट लुक्स वेरी कूल विद द वाइट, रेड और द ब्लू कलर ऑफ दिस MGHS। यहाँ पर सिल्वर डिफ्यूज़र दिया गया है एंड यहाँ पर जो है वो एक छोटी ग्रिल दी गई है इनटेक के लिए। सो टॉकिंग अबाउट द हेडलाइट्स ऑफ द कार, इट्स बाई प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स जिसके अंदर एक सिंगल प्रोजेक्टर दिया गया है जो बाई बीम का काम कर रहा है। दिस फ्लोज विद द इंडिकेटर्स ऑफ द कार, इट हैज़ DRLs एंड नीचे जो फॉग लैम्प्स दिए गए हैं दैट दोज आर हैलोजन फॉग लैम्प्स। दिस स्पेशल टेक्नोलॉजी विच इज़ फ्रॉम साइक जो कि इसको ओन करता है, दैट इज़ अ चाइनीज ब्रांड एंड लाइट टेक्नोलॉजी। तो टॉकिंग अबाउट द रिम ऑफ द कार, इट्स 18-inch मिचलिन टायर जो उसके अंदर दिया गया है, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील है, गाड़ी में फोर व्हील डिस्क दिया गया है, ABS ब्रेक्स हैं, काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी सूट कर रही है पूरी गाड़ी की पर्सनैलिटी को एंड एडिंग ऑन टू द वैल्यू ऑफ द कार। सो टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, इट लुक्स वेरी मैसिव। साइड मिरर की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास रनिंग इंडिकेटर्स एंड यहाँ पे कैमरा भी दिया गया है जो कि दोनों साइड में इस पर अवेलेबल है, राइट एंड लेफ्ट। गाड़ी में एक 360 डिग्री व्यू अवेलेबल है, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। द ब्लैक लाइनिंग लुक्स एक्सट्रीमली कूल विद अ क्रोम मोल्डिंग ऑन इट। हैंडल जो है वो हाफ क्रोम दिए गए हैं, डोर पे कीलेस एंट्री के लिए सेंसर भी मौजूद है। Moving on to the back profile of the car, the HS and the MG badging are very prominent. Lamps had these running indicators in it, which is complete LED. High mounted stop lamp दिया गया है and shark fin antenna भी है इसके अंदर। नीचे bumpers के अंदर देखें तो सारे parking sensors दिए गए हैं and this is a diffuser with two silencers, look very cool on it. ये जो reflectors हैं इसके अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास दो reverse lamp दिए गए हैं and in lights के अंदर कोई reverse lamp नहीं है। ये जो boot separator है ये leather के अंदर दिया गया and this was the quality which was missing from Pakistan's market. बोर्ड की हम बात करें तो ये काफी स्टिफ है एंड दिस इज द मेटल केस, इसको हम पुल करेंगे तो हमारा बोर्ड फ्री हो जाएगा। नीचे हम देखें तो हमारे पास इमरजेंसी किट के लिए जगह दी गई है एंड उसके नीचे स्टील व्हील है, इमरजेंसी व्हील। ये एक रिफ्लेक्टर दिया गया है इमरजेंसी के लिए, अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाए तो आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं एंड दिस इज द यूजर मैनुअल फ्रॉम MG। इसमें सबसे पहले आपके पास यूजर गाइड है पूरी गाड़ी की, आप इसमें से चेक कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें कैसे काम करती हैं एंड यू कैन गेट द डिटेल्स। और ये दूसरा जो है ये नेविगेशन गाइड है, इसके अंदर आपको जो नेविगेशन लगा हुआ है इसकी सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। सो आई रिपीट अगेन, दिस वॉज द क्वालिटी विच वॉज मिसिंग फ्रॉम पाकिस्तान मार्केट एंड MG हैज प्रोवाइडेड दैट। So this is the boot close button. इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका बूट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। चाबी कुछ ऐसे दिखती है इस गाड़ी की एंड दिस इज द लॉक बटन, द बूट ओपनर एंड द अनलॉक बटन। सो टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार, जब हम स्टेयरिंग देखते हैं तो इसका स्टेयरिंग कुछ दिखता है ऐसे, बीच में MG की बैजिंग काफ़ी प्रोमिनेंट है। दिस इज कम्प्लीटली द हॉर्न पार्ट, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल्स हैं टैकोमीटर के एंड दिस इज द जो आपकी स्क्रीन दी गई है इंफोटेनमेंट, उसके कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड के कंट्रोल यहाँ पर हैं, यहाँ से आप कॉल पिक कर सकते हैं। स्टेयरिंग जो है दैट इज टेलीस्कोपिक और टिल्ट भी हो जाता है, ठीक है, एंड काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का इसके अंदर ख्याल रखा गया है। जैसे यहाँ पे लेदर दिया गया है, दैट इज एडिंग टू द प्रीमियम वैल्यू ऑफ द कार। ये डैशबोर्ड जो है ये कम्प्लीटली सॉफ्ट टच के अंदर है, ये लेदर है जो सेम सीट के ऊपर दिया गया है, वही लेदर है एंड यहाँ ट्रॉफी की बैजिंग देखने को मिलती है। जो एयर वेंट्स हैं वो काफ़ी जो है वो क्लासिक स्टाइल के अंदर दिए गए,
पुराने जो गाड़ियाँ 1960s की है एम जी की खास तौर पर गाड़ियाँ आती थी उनके अंदर ऐसे स्टाइलिश एयरवेंट्स होते थे। तो यहाँ पे फुल स्टार्ट बटन दिया गया है, अब हम चेक करते हैं इसका डिस्प्ले व्हेन वी स्टार्ट द कार। सो हियर वी गो, दिस इज द कंप्लीट डिस्प्ले। यहाँ पे हम देखें तो 0 से लेके 240 तक हाफ मीटर दिया गया है एंड सेम गोज हियर विद आरपीएम। यहाँ पे फ्यूल गेज है एंड दिस द अदर पार्ट, यहाँ पे हीट अप का गेज दिया गया है। मॉड जो है वो इसके अंदर चार दिए गए हैं, तो फर्स्ट वन इज द इको मॉड, देन नॉर्मल मॉड है, स्पोर्ट्स है एंड देन कस्टम मॉड है। इसके अंदर आप अपना पावर स्टीयरिंग पावर ट्रेन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी कूल फीचर एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पावर फ्रॉम दिस। ये सुपर स्पोर्ट्स मोड है, जब आप इसको दबाते हैं तो ये सुपर स्पोर्ट्स मोड एक्टिव हो जाता है एंड आई थिंक ये काफ़ी कूल होने वाला है। लास्ट टाइम मैं इसको एक्सपीरियंस किया था तो काफ़ी टॉप थी गाड़ी के, स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी अनकन्वेंशनल है एंड इट लुक्स वेरी प्रीमियम। सो दिस यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये है साइड पॉकेट दी गई है, दीज आर द लाइट कंट्रोल्स, आपकी हेडलाइट, आप बीम उसको है अपने थ्रो जो है वो कितना ऊपर करना है कितना नीचे करना है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सही है। एंड देन हियर आर द वाइपर कंट्रोल्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका द लाइट कंट्रोल्स एंड दीज आर द क्रूज कंट्रोल ऑप्शंस। ये पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, सो इफ यू प्रेस द पॉजिटिव ऐसे मूव हो गई तो गियर अप होगा एंड दिस इज अ नेगेटिव वन, इसको आप यू करेंगे तो गियर माइनस होगा। इट हैज टू बी इन द ट्रिप्टोनिक गियर्स जब आप ये यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो उसमें एप्पल प्ले एंड एंड्रॉयड दोनों दिया गया है। 360 व्यू की हम बात करते हैं, व्हेन वी आर शिफ्टिंग द गियर टू रिवर्स दिस इज द व्यू वी आर गेटिंग। इसके अंदर हम कैमरा एंगल चेंज कर सकते हैं, इफ यू वॉन्ट द वाइड wide view and you don't want the 360 view you can switch to this। यहाँ पे हमारे पास उसके अलावा gear shifting काफी smooth है, यहाँ से हम ऐसे switch कर सकते हैं sports mode के अंदर plus and minus है। उसके बाद ये electronic parking brake ऐसे on कर सकते हैं, red light है इसका मतलब है कि brake on है और हम pedal दबा के इसको जब press करेंगे इसका मतलब है कि ब्रेक हट गया। दिस इज ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, सो फॉर इंस्टेंस यू ड्राइविंग द कार और आप ऑटोमेटिक ब्रेकिंग यूज करना चाह रहे हैं, ये सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया। दिस इज डाउनहिल असिस्ट, ठीक है इन केस आप हिल से उतर रहे हैं एंड यू नीड असिस्टेंस फॉर दैट यू वांट टू यूज अ ब्रेक अगेन एंड अगेन, आप इसको इस फीचर को ऑन कर रहे हैं एंड इट विल हेल्प यू इन द डाउनहिल असिस्ट ऑप्शन, उतर होगी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगी गाड़ी। दिस इज अ 360 डिग्री कैमरा, इसको आप दबाएं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन शो हो जाएगी जिसमें आपकी गाड़ी का सैटेलाइट व्यू आ रहा होगा एंड आपको फ्रंट भी दिख रहा होगा, वाइड फ्रंट डिस्प्ले, इन केस यू वांट द बैक डिस्प्ले वो ऐसे दिखेगा। ये आपको ड्राइवर साइड दिखा रहा है राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, इसमें तीन पिक्चर्स आ रही हैं, दिस इज द 360 व्यू, दिस इज द लेफ्ट साइड व्यू एंड दिस इज द राइट साइड व्यू। 2D में जो आपको 360 व्यू में दिख रही है आपकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं साइड से भी आ रहे हैं साइड से 360 व्यू। यहां पे ये एक एंबियंस साइड है जिसको आप यहां से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल प्रेफरेंस, तो भी आप सेट करना चाहें ब्लू ग्रीन या रेड वो आप कर सकते हैं। ये नॉब के ऊपर ये एमजी की पैचिंग दी गई है एंड दैट लुक्स वेरी प्रीमियम एंड ये लेदर स्टिच हुआ है रेड स्टिचिंग से। बटन्स कुछ ऐसे दिखते हैं, पावर विंडोज के चारों विंडोज ऑटो हैं एंड ये साइड मिरर्स कंट्रोल, लॉक एंड अनलॉक के लिए आपको यहाँ पे बटन दिए गए। दिस इज ऑरेंज इट मीन्स द कार इज लॉक्ड, दिस इज ऑफ देन इट मीन्स द कार इज अनलॉक्ड। काफी प्रीमियम डिजाइन है गाड़ी का, सनरूफ पैनोरामिक सनरूफ है,
अभी काफी धूप हो रही है तो हम इसको वापस बंद कर देते हैं। सनग्लासेस होल्डर एंड ये कंसोल भी काफी प्रीमियम दिखता है इसका, विद दिस मेटल फिनिश प्लास्टिक मटेरियल आई थिंक, नॉट श्योर प्लास्टिक प्लास्टिक है। तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड दो USB सॉकेट्स दिए गए हैं चार्जिंग के, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC। तो ये कूल बॉक्स है, इसमें आप अपनी कोई ड्रिंक ठंडी या गर्म करना चाहें, हॉट एंड कूल बॉक्स दोनों हैं, वो कर सकते हैं। MGHS का जो इंजन है ये 1500cc टर्बो है, 7-speed ऑटोमेटिक गियर के साथ कपल किया गया है एंड 169 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है। जो पॉइंट करने की चीज है कि 95 रॉन से नीचे के पेट्रोल पे नहीं चलेगा, इट मींस वी विल हैव टू यूज हाई ऑक्टेन ओनली फॉर दिस MGHS। गाड़ी की ड्राइवर सीटिंग पोस्चर की बात करें तो सीटिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है एंड यू कैन हैव अ क्लियर विजन ऑफ द रोड व्हेन यू ड्राइविंग दिस MGHS। 7-speed automatic gear की engagement काफी smooth है when you are accelerating this. There are 4 modes available in this MGHS which is Eco, Normal, Sport and Super Sports mode. Super Sports mode के ऊपर इसका 8.8 seconds के अंदर 0 to 100 touch कर सकती है ये and it produces a lot of torque. Suspension की हम बात करें तो it reacts pretty well in jumps and bumps of the car and you don't feel like losing control of this MGHS. So this was a detailed review of the MGHS. In my personal opinion, in this price bracket which is 5.5 million, yani 55 lakh rupees, with all these features, it is the best possible purchase. MG has offered a very quality car to the audience of the Pakistani market and this is a positive sign for the automotive industry of Pakistan. So agar aapko ye video pasand aayi to like kare, share kare, channel ko subscribe kare and bell icon dabana na bhulein taki aapko aane wali nayi videos ki notification milti rahe. Until then take care. Allah this video sequence.